Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this particular video, we are going to discuss the important concepts and the MCQ questions for your macroeconomic subject. We have already covered this part, but since your examination has been shifted to 30th September, so we are on a rerun for the most important topics, and macroeconomics is very important when it comes to your UGC NET Economics exam. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए हैं कि आपके जो एक सेक्शन होता है मेमोरी सेक्शन, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिस्ट के नाम याद करने होते हैं, आपको वो वाला पार्ट भी अच्छे से याद हो जाए और दूसरा जो आपका कंसेप्चुअल पार्ट होता है वो भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए इस पर्टिकुलर वीडियो से. आप इस टाइम पे बिल्कुल अपनी जो रिविजन है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ताकि अपने कोई भी नया कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए. इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज इफ यू डू मोर ऑफ रिविजन, बिकॉज द एग्जाम इज सच दैट देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, थोड़ा वीक है, उसका अगर आप थोड़ा गेस वर्क भी करके करके आएंगे, तो आपका अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग तो आपको नहीं देंगे. तो आप एटलीस्ट जो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आपके अच्छे से रिवाइज होने चाहिए और उसमें आपको कोई भी मिस्टेक करके नहीं आनी है. तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ताकि आपके कोई भी अगर गैप रह गए हैं रिविजन में तो वो यहीं से कम्प्लीट हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following pairs are not matched correctly? So please concentrate on the word not. So आपको correctly match नहीं, जो कि incorrectly match है उसको देखना है. The inflationary gap is associated with Keynes. B part is cash balance approach is associated with Pigou. C is accelerator and multiplier is related by Higgs analysis. And D is equation for exchange is related to your Marshall. So you need to let me know in the chat box what you think is the correct answer and we'll revise our concepts. जो ये accelerator effect है वो Higgs के साथ बिल्कुल correctly matched है, क्योंकि जो accelerator और multiplier का combined effect जो होता है, जिसको हम super multiplier भी बोलते हैं, वो आपके Higgs analysis से ही हमें मिला था. हम बाकी concepts भी revise कर लेते हैं. So let's start with आर इन्फ्लेशनरी गैप सेक्शन. सो इन्फ्लेशनरी गैप तब आता है जब आप पोटेंशियल जो आपका एग्रीगेट डिमांड है उससे इंक्रीज कर जाते हैं और आपकी एक्चुअल जो है वो दैट इज ग्रेटर देन योर पोटेंशियल डिमांड फंक्शन. सो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी पे एक इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपने फुल एम्प्लॉयमेंट जो आपका GDP है उससे भी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं. तो क्या होगा, डिमांड तो के हिसाब से यू वोंट बी एबल टू इंक्रीज द सप्लाई, सिंस योर इकोनॉमी इज रनिंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट. अब और रिसोर्सेज लेके आने के लिए इकोनॉमी के पास कोई भी जगह नहीं है. सो क्या होगा, आपके जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी वजह से आपके प्राइजेस पे प्रेशर पड़ेगा. सो प्राइजेस विल इंक्रीज, उसी वजह से आप इस इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड से जो आपकी प्राइसेस पे इफेक्ट होता है उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है, इसीलिए यू कॉल इट इन्फ्लेशनरी गैप. सो इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टू मैनेज द इन्फ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट कैन इनेक्ट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज विच रिड्यूसेस द मनी सप्लाई एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द डिमांड. सो यू नीड टू कंट्रोल योर डिमांड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, बिकॉज आपकी एग्रीगेट जो डिमांड है उसको कम करने का आपका फर्स्ट आपका गोल होना चाहिए. सो एंड दिस इन्फ्लेशनरी गैप वॉज गिवन बाय योर Keynes. सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस माइट हैपन इन द इकोनॉमी दैट देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन योर एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड, अनलाइक योर क्लासिकल मॉडल, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जो सेल्फ करेक्टिंग मॉडल है और एग्रीगेट डिमांड कभी भी उसकी शॉर्टेज या उसका राइज कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती इकोनॉमी की, बिकॉज मार्केट्स विल क्लियर देमसेल्व्स और आपको कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर कैश बैलेंस अप्रोच. सो कैश बैलेंस अप्रोच वॉज अ थ्योरी दैट ट्रीट्स द मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू.
आपको पता है कि मनी के बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे वो स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू है या फिर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इट्स जस्ट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो ये अलग अलग आपके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी है या इम्पॉर्टेंट उसकी एक मनी के क्या आपको कैसे उसको ट्रीट करना है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल आप कीन्स जो है वो उसको ट्रीट करता है एज अ स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट. तो आप मनी को कैसे भी यूज कर सकते हो, बट फॉर द केम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू एंड दिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय मार्शल एंड पिगू एंड दे आर योर नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. सो अकॉर्डिंग टू देम योर मनी डिमांड वॉज रिलेटेड टू योर पी वाई एंड पी वाई इज एक्चुअली योर नॉमिनल इनकम. सो नॉमिनल इनकम से आप डिपेंड कर रहे हो कि अपना मनी डिमांड आपकी इकोनॉमी में क्या होगा एंड दिस इज अ पर्टिकुलर ग्राफ. और ये आप देख रहे हैं कि एक लीनियरली रिलेटेड ग्राफ है आपके नॉमिनल इनकम से आपका मनी डिमांड. सो दिस वॉज योर कैम्ब्रिज थ्योरी. नेक्स्ट इज योर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज. तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो एक कॉन्सेप्ट है वो फिशर्स ने अपनी एक जो हुआ था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उसने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दी थी जिसके अंदर वो कहते हैं एमवी इज इक्वल टू पीटी. अब ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज रिलेटेड टू मार्शल. नाउ वी नो दैट इट इज नॉट करेक्ट. इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज एक्चुअली रिलेटेड विद फिशर्स. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है इट वॉज एक्चुअली गिवन बाय फिशर्स. फिशर्स वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट. पैरेलली उसके एक कंटेम्प्रेरी भी थे जॉन मिल्स जिन्होंने भी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का यूज किया था, बट वी नो कि मार्शल ने नहीं किया था. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो योर करेक्ट आंसर इज डी. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड वील डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट बिकॉज A part is as the rate of interest rises, the opportunity of holding money falls. As the rate of interest increases, rises the opportunity cost of holding money rises. C is as the rate of interest fall, opportunity cost of holding money does not change. D part is when the rate of interest is low, the central bank reduces the supply of money. And you need to let me know in the chat box what you think is the correct answer and we'll discuss the concept together. So, liquidity preference ka concept dekh lete hain. The preference of the investor for holding liquid assets rather than securities or long-term interest-bearing investment. So, ab aapke paas kuch wealth hai. वेल्थ ले लेते हैं और आप उसको या फिर इनकम ले लेते हैं. इनकम है और आप उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं. एक तो आप कहीं पे एसेट्स खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल योर सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, और यू कैन कीप इट एज मनी. सो आपको लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये बताती है कि कैसे किस इंटरेस्ट रेट पे आप एक्चुअली मनी डिमांड करना चाह रहे हैं एंड यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सिक्योरिटीज. तो ऐसा कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो आप मनी में ज्यादा रखना चाहेंगे. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी इज लेस. क्योंकि आपकी सिक्योरिटीज से आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कुछ मिलता, लेकिन जब आपके इंटरेस्ट रेट्स कम है तो सिक्योरिटीज आर नॉट दैट हेल्पफुल और उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मनी की अल्टरनेटिव जो कॉस्ट है, जो कि अल्टरनेटिवली आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज पे, और वो कम है. तो नाउ यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर मनी. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी. क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है और आप कुछ चीज खरीदते हो, फॉर एग्जांपल एसेट्स खरीदते हो, तो इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा. व्हेन योर रिटर्न इंक्रीजेज ऑन सिक्योरिटी, इफ यू आर कीपिंग योर मनी एज योर इनकम एज मनी, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी वो बहुत बड़ी हुई मिलेगी. सो नाउ यू नो एज यू इन्वेस्ट इन योर मनी एंड द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो राइजेज. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, now you know that your correct answer is B. As the rate of interest rises, the opportunity cost of holding money rises. So B is your correct answer. And let's discuss the next question. According to which theory, the consumption remains constant and
it is planned by the expected income. So A part is life cycle hypothesis, B part is permanent theory of consumption, C is Keynesian theory, and D is relative income theory of consumption. So let's discuss our life cycle theory of consumption. So ye jo theory hai, it was presented to us by Franco Modigliani and Albert Ando, that consumption is a function of the whole lifetime of income. होल लाइफ टाइम से इसका मतलब है कि आप अपनी जो कंजम्पशन है प्रेजेंट कंजम्पशन यू आर नॉट बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट इनकम बट यू आर एक्चुअली टेकिंग इनटू अकाउंट कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम थ्रू आउट आपकी लाइफ टाइम क्या होनी होगी और आप कितना सेव कर सकते हो उसमें से फॉर योर एल्डर ईयर्स. सी पार्ट इज योर कंजम्पशन इज कॉन्स्टेंट. ये भी उनकी एक अजम्पशन है कि आपकी जो कंजम्पशन है दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट over a period of time. Next is the life is divided in the year of dependence and the independent years. So when you are earning money, like your 25 years to 65 years, when you are earning money, ये आपके independent years हैं. और when you are young, then you are dependent on your parental income. ये भी आपके dependent years हैं. Because you are dependent on your parental income. And next is your elder years, जिसके अंदर you are also dependent. किस पे dependent हो आप? जो आपने independent years में save किया होगा आप उस पे dependent हो. इसका एक graph भी है, वो भी discuss कर लेते हैं, जिसके अंदर in from 25 years to 65 years you are actually saving more than you are consuming. So आप एक ज्यादा consumption दे रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज योर 65 प्लस, तब आप यू आर डिससेविंग योर मनी. डिससेविंग का मतलब क्या है? सेविंग्स का उल्टा. नाउ योर इनकम इज लेस देन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, हेंस आपको ये पता चल गया आपकी जो कंजम्पशन है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट. तो आप अपने डिपेंडेंट ईयर्स पे, आप अपने इंडिपेंडेंट ईयर्स के जो भी आपने सेव किया होता है इनकम, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो कि विच आपको ये पर्टिकुलर थ्योरी बतानी है कि कंजम्पशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट इज प्लान्ड बाय द एक्सपेक्टेड इनकम. सो जो कंजम्पशन है आपने देखा कि जो लेटर ईयर्स में आपकी डिपेंडेंट थी आपके इंडिपेंडेंट ईयर्स पे, नाउ यू नो दैट द करेक्ट आंसर इज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. Let's discuss the next question. Question number 4. By financial crowding out, economists mean credit rationing. B part is what the government borrows cannot be used for private investment. C part is government borrowing drives up the interest rate. And D part is the Reserve Bank of India control on the commercial bank lendings. So kindly let me know in the chat box what you think is the correct answer and we'll discuss the concept together. So आपको ये पता है कि जो crowding out जब हो रही होती है तो क्या होता है? Government जो spending होती है जी, that will increase. आपको जो income है उसके अंदर आपकी इक्वेशन रहती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट. तो ये जो जी है जब ये इंक्रीज करता है देन योर आईएस कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स लाइक इन दिस ग्राफ. सो आईएस कर्व शिफ्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है. सो हमें ये पता चला जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इंक्रीज करती है देन एक्चुअली द इनकम ऑफ योर इकोनॉमी राइजेस. तो कोई भी अगर वेलफेयर स्कीम लेती है गवर्नमेंट या फॉर एग्जाम्पल रोड्स बिल्ड करती है तो उससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इंक्रीज कर रही है और उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज से इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है एंड एक्चुअली जो इनकम है नेशन की वो इंक्रीज करती है. ऑल्सो वेलफेयर स्कीम से एक सोसाइटल इफेक्ट भी बहुत बड़ा रहता है जिससे आपकी और वेलफेयर के पाथ पे जो इकोनॉमी है वो पुश करती है अगले आने वाले ईयर्स के लिए. बट नाउ यू कैन सी जब आपका आईएस का शिफ्ट करता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करता है. इंक्रीज जब होता है इंटरेस्ट रेट तो लोन्स जो होते हैं दे बिकम्स एक्सपेंसिव. When your loans are becoming expensive, then the investment will fall. In this investment fall is the fall in the private investment. अब आपको ये वाला ग्राफ भी एक
रिवाइज करना चाहिए, जिसके अंदर एक साइड पे वी आर टेकिंग द प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग एंड ऑन वन साइड वी आर टेकिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो अब इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग. तो इससे क्या हो रहा है, इस ट्रेड ऑफ की वजह से आप देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज योर प्राइवेट स्पेंडिंग विल फॉल, एंड इफ द प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग और योर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज देन योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड फॉल. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो दैट द करेक्ट आंसर इज सी, द गवर्नमेंट बोरोइंग ड्राइव्स अप द इंटरेस्ट रेट. सो दिस इज करेक्ट. लेट मी नो कि आप अभी तक आपके कितना स्कोर कर लिया है आपने, एंड वील डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द लिक्विडिटी ट्रैप कॉरेस्पॉन्ड्स, ए इज योर कंजप्शन फंक्शन, बी इज प्रोडक्शन फंक्शन, सी इज मनी डिमांड फंक्शन एंड डी इज लेबर डिमांड फंक्शन. सो लेट्स डिस्कस द लिक्विडिटी ट्रैप कॉन्सेप्ट. सो लिक्विडिटी ट्रैप जो कॉन्सेप्ट है, इट वॉज प्रेजेंटेड टू अस बाय कीन्स. सो अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी ट्रैप कॉन्सेप्ट, द लिक्विडिटी ट्रैप इज अ कंडीशन वेन द इंटरेस्ट रेट्स आर सो लो दैट नोबडी वॉन्ट्स टू कीप द एसेट्स एज बॉन्ड्स एंड देन कीप द मनी एज कैश एंड कंप्लीटली लिक्विड. तो आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. आपके जब इंटरेस्ट रेट इतने फॉल कर गए हैं कि वो एकदम पैरेलल हो गए हैं और बिल्कुल फ्लैट हो गया है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज योर लिक्विडिटी ट्रैप. अब लिक्विडिटी ट्रैप से इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या होती है, जो आप मॉनेटरी पॉलिसीज लेते हो, मॉनेटरी पॉलिसीज आप किस लिए लेते हो, मनी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम योर इंटरेस्ट रेट्स, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. एंड एक्चुअली आपकी जो इकोनॉमी है उसकी जो नई है वो सिंक कर गई है. क्यों सिंक कर गई है, आरबीआई बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा इस टाइम पे, या कोई भी आप कंट्री में ले लीजिए उसका सेंट्रल बैंक जो है वो एकदम रिडंडेंट हो जाएगा. क्यों रिडंडेंट हो जाएगा, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक का एक काम रहता है कि वो इंटरेस्ट रेट से चेंज करके आपके मनी डिमांड को चेंज करे, ताकि आपकी इकोनॉमी में जो भी उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी चेंज लेके आना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है और वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है आरबीआई, सो दैट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से आपके जो मनी डिमांड है वो कम हो जाए. क्यों, बिकॉज यू वुड बी इन्वेस्टिंग मोर, सो दैट जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम हो, क्योंकि लोगों के हाथ में अब पैसा अगर कम हो जाएगा तो दे वुड बी स्पेंडिंग लेस. तो ये जो रोल होता है आरबीआई का वही खत्म हो जाएगा व्हेन द इकोनॉमी फॉल्स इनटू अ लिक्विडिटी ट्रैप. ये एक्चुअली जापान में हो चुका है, जहां पे उसका जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अब आपको पता है ये किस पे लिक्विडिटी जो ट्रैप है ये किस कॉन्सेप्ट कॉरेस्पॉन्ड करता है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर मनी डिमांड फंक्शन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर, एंड आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स. प्लीज लेट मी नो कि आपने टोटली 5 में से कितना स्कोर किया है, और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यूअसली प्लीज कीप गोइंग ऑन विद योर प्रिपरेशन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 10 डेज दैट वी हैव गॉट फॉर आवर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. आपको एक बहुत अच्छा ब्राउनी पीरियड मिल गया है, और इस ब्राउनी पीरियड में हम अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, वेयर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कम्प्लीट्स योर मैक्रो पार्ट. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लगता है कि और कौन से सब्जेक्ट्स को हमें पहले पिकअप कर लेना चाहिए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाए. ऑल्सो प्लीज लेट मी नो कि एग्जाम से पहले कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो जो कि आप करके चले जाए. मैंने आपके हर सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो ऐसी ही बनाई है जहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे कंसेप्चुअल नॉलेज या फिर हमारी मेमोरी बेस्ड के लिए हमारी कितनी नॉलेज है. आप अगर कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स, प्लीज गो बैक टू माई वीडियोज. एटलीस्ट आप उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की वहां पे कोशिश की है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप प्रिपेयरिंग. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.